और ये फॉरवर्ड बायस बन गया, यहां पर कोई भी इसका एक रेसिस्टेंस होगा, लेट अस कॉल दिस रेसिस्टेंस एज रेसिस्टेंस इनपुट। इस तरह का ये कनेक्शन बनेगा। अगर ऐसा कनेक्शन बनेगा तो देखिए, आप अगर ऐसा एग्जाम में ना बनाए तो अच्छा है, क्योंकि इस कनेक्शन को लोग बहुत कम पहचानते हैं, वो ऐसा ही हम लोग याद करते हैं, ऐसा ही कर देते हैं। एनीवे, इससे हमको एक चीज समझ में आती है कि फॉरवर्ड बायस होने से ये वाला जो जंक्शन है ये डिप्लीट हो जाता है, यहां से आराम से इधर करंट जाएगी, ये प्लस है, प्लस से करंट ऐसे जाती है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते हैं, ये वाला डिप्लीट हो जाएगा। और ये रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस में ऐसे करंट जाना चाहिए। तो ये दोनों करंट एमीटर, ये एमीटर है, यहां पर एमीटर में कलेक्टर से करंट आएगी प्लस से, और बेस से भी ये करंट आएगी प्लस। दिस शुड बी प्लस माइनस। यहां से करंट आएगी और दोनों करंट मिलाकर एमीटर, इसको मैं फिर से बनाता हूं, दिस इज बेस, दिस इज एमीटर एन टाइप, बेस पी टाइप, कलेक्टर एन टाइप। बेस और एमीटर, इनके बीच में हमने लगाया फॉरवर्ड बायस, ये फॉरवर्ड बायस लगेगा प्लस माइनस, ये फॉरवर्ड बायस हो गया। कलेक्टर और एमिटर, इसके बीच में रिवर्स बायस होगा, एन के साथ में प्लस, और ये कलेक्टर के एन के साथ में हमने लगा दिया प्लस। यहां पर इसके प्लस से ऐसे करंट गई और इस करंट को क्या बोलेंगे, आई पी बेस करंट, इस तरह से। और एमीटर के साथ हमने इसको जोड़ा है, दिस इज आई ई। हम चाहे तो अर्थ यहां लगा सकते हैं, हम चाहे तो अर्थ यहां लगा सकते हैं, एक अब यहां पर जरा करंट का इक्वेशन देखिए। करंट का इक्वेशन यहां से एंटर कर रही है सर्किट में कौन सी, आई बी, यहां से कौन एंटर कर रही है, आई सी, और निकलती कौन सी है, आई ई। तो हमारा इक्वेशन क्या बना, आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई। यहां पर देखिए आई बी एंटर करती है, आई सी एंटर करती है और आई ई निकलती है, तो सेम इक्वेशन बना, राइट। तो ये दोनों एक जैसे हैं, पर इसको थोड़ा स्टडी करना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, एक्चुअल तो यही होता है। तो इसीलिए हम लोग इसको न बनाते हैं न स्टडी करते हैं, राइट। लेकिन जब हम इसका एक्शन देखेंगे तो हो सकता है ये हमको काम में आएगा उस समय। एनीवे,
IE is equal to IC plus IS। ये करंट का इक्वेशन इसमें होता है। वोल्टेज का इक्वेशन आप पहले पढ़ चुके हैं। वोल्टेज का इक्वेशन पिछली बार आपने क्या लिखा था इसमें देखिए जरा। मुझे बताइए क्या था बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। बी और ई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिलाकर होता है बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ओके सी और ई, सी और ई इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी बी सी, बी और सी, बी और सी ये सर्किट को यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस बीई यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू सी। तो ये सर्किट में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ये आपको एक पूरा सर्किट दिख रहा है। यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वी सी ई, वी सी ई यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस। इसके दो टुकड़े कर दो, यहां से यहां तक क्या होगा वी बी सी, वी बी सी यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस वी बी ई, और इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंस को हमने ऐड कर दिया तो वो क्या बन गया वी सी। Is it clear? तो ये इसका पोटेंशियल का इक्वेशन और ये इसका करंट का इक्वेशन किरचॉफ लॉ से दोनों बने। ओके इज दैट क्लियर। अब और कैरेक्टरिस्टिक, हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो बनाई थी उसके दो ग्राफ आपने देखे थे। एक ग्राफ था फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक या इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ यानी ये वाली कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ। इसका ग्राफ किस किस के बीच में था तो आंसर है इसकी वोल्टेज और इसकी करंट। तो इसकी करंट कौन है आई बी और इसकी वोल्टेज क्या है वी बी ई, वी बी ई। इसको हमने टेबुलेट किया, टेबुलेट करके ये वी बी ई आई आई बी 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 ई आई बी ऐसे सबकी रीडिंग लिखते चले गए और ये लिखते चले गए तो हमको जाकर ये ऐसा ग्राफ मिल गया। ये बेसिकली ऐसा ग्राफ क्यों मिला है क्योंकि बी और ई इसके बीच में कैसी बायसिंग है, फॉरवर्ड बायसिंग है एंड दिस इज ए फॉरवर्ड बायसिंग पी एन जंक्शन, फॉरवर्ड बायसिंग पी एन जंक्शन है ये, इसलिए हमको इसका ग्राफ ऐसा मिलता है। ओके तो ये इसमें यहां से यहां जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसको ये वाली वोल्टेज खींच कर मत ले जाए या उसको अफेक्ट मत करे, इसलिए हम क्या करते हैं कि ये वोल्टेज को हम कांस्टेंट कर देते हैं। कौन सी वोल्टेज को कांस्टेंट करना है VCE को कांस्टेंट करना है, VCE को कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट रखने के लिए हमको इसको वेरिएबल बनाना पड़ता है, इसको वेरिएबल बनाना पड़ता है। क्यों वेरिएबल बनाएंगे, अब आप देखिए अगर आप इसमें इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे ठीक है, इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे ये करंट बढ़ना चाहेगी तो ये टोटल वोल्टेज भी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी क्योंकि ये दोनों का सम होता है तो टोटल वोल्टेज बढ़ेगी। उस वोल्टेज के बढ़ने के कारण इसकी करंट भी बढ़ जाएगी, उसकी करंट का कुछ हिस्सा भी यहां आ जाएगा तो वो हमको करंट की ट्रू रीडिंग नहीं देगा, इसलिए हम ये वाली वोल्टेज को कांस्टेंट रखना चाहते हैं। तो जब भी इस वोल्टेज को बढ़ाते हैं ये वाली वोल्टेज थोड़ी सी हमको कम करनी पड़ती है ताकि टोटल कैसा रहे सेम और टोटल का कोई इफेक्ट मत पड़े, टोटल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए हम VCE को कांस्टेंट कर देते हैं और उसकी कोई भी एक वैल्यू लगा देते हैं जैसे हमने 5 वोल्ट पे किया, 10 वोल्ट पे किया ऐसे।
उसके लिए हमने ये बनाया। अगर हम बी सी को कोई दूसरी वैल्यू पे सेट करेंगे तो ये हमारा ग्राफ ऐसा आ सकता है, ये हमारा ग्राफ ऐसा आ सकता है, ऐसे चेंज हो सकता है। तो ये किस किस के बीच में ग्राफ है, बी बी और आई बी, इसमें यहां से यहां तक क्या होता है, नो दिस इज नी वोल्टेज, करेक्ट नी वोल्टेज, मैं करंट की बात कर रहा हूं, यहां से यहां तक करंट कैसी रहेगी, यस। तो इनिशियली जब हम इसको आई बी को, जब हम इसको बी बी ई को बढ़ाते हैं, ये बी बी ई, इसको हमने इंक्रीज किया 0.1, 0.2, 0.3, तो करंट इसकी नहीं बढ़ती, राइट। ये है कौन सा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, इसका जब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हमने बनाया था, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में हमने क्या देखना है कि ये वाली वोल्टेज आउटपुट की वोल्टेज और आउटपुट की करंट, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। तो ग्राफ किस किस के बीच में बनेगा, बी सी ई और आई सी, बी सी ई और आई सी, इसके बीच ये ग्राफ बनता है। अब ये बताइए, ये यहां पर कौन सा जंक्शन है, कलेक्टर सी और बेस बी, कलेक्टर सी और बेस बी, ये वाला जो जंक्शन है इसकी बायसिंग कैसी है, एन के साथ कौन जुड़ा है, प्लस, तो ये कैसी बायसिंग है, रिवर्स बायसिंग, यहां पे हमने किया है एन के साथ प्लस जुड़ा है, रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में ये डिप्लीशन लेयर बड़ा हो जाएगा और कौन सी करंट फ्लो होगी, रिवर्स करंट, दैट इज मेड बाय माइनॉरिटी पार्टिकल्स, ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से रिवर्स करंट, और वो रिवर्स करंट बहुत कम होगी, हम उसके साइन को छोड़ देते हैं और उसका ग्राफ भी हम पॉजिटिव साइड पे बनाते हैं। पिछली बार हमने डायोड के समय उसका ग्राफ यहां बनाया था, क्योंकि उसकी वोल्टेज भी माइनस होती है और करंट भी हम कैसी लेते हैं, नेगेटिव लेते थे, तो ये हमको ग्राफ ऐसा मिला था, राइट। तो ये थर्ड क्वार्टर में बनाया था। अब हम ऐसा करते हैं कि हमको साइन की यूटिलिटी अभी नहीं है, फिलहाल हम सिर्फ करंट और वोल्टेज का रिलेशन देखना चाहते हैं, तो इसको हम लोग फर्स्ट क्वार्टर में ही बना लेते हैं। दिस इज फर्स्ट क्वार्टर, और इस फर्स्ट क्वार्टर में हमने ये देखा कि जैसे बीसीई बढ़ता है वैसे वैसे करंट शुरू में तो थोड़ी सी बढ़ती है और बाद में ये सैचुरेट हो जाती है, इस तरह से ये सैचुरेट हो गई। सैचुरेशन किसके कारण से आता है, क्यों आता है, क्योंकि जितने उसके पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं सब के सब यूज हो जाते हैं। अगर यहां पर ये जो डिप्लीशन लेयर चौड़ी वाली बनी हुई है रिवर्स बायस में, इसके पास 100 चार्ज कैरियर्स है, कौन से, माइनॉरिटी, तो ये करंट ज्यादा से ज्यादा कितनी बनेगी, 100 के बराबर बनेगी, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी, ओके। अब हमने क्या किया, यहां करंट चालू की आई बी, जब हम यहां करंट चालू करेंगे तो यहां से ये माइनस, ये चार्ज पार्टिकल जाएंगे, ये कौन सा बायसिंग है, फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में जंक्शन कैसा काम करता है, कंडक्टर जैसा, कंडक्टर जैसा काम करता है, उसको चार्जेस की कमी नहीं रहती, तो इसके पास फुल चार्जेस हो गए। अब देखिए इसके पास माइनॉरिटी चार्जेस कौन से हैं, पी के पास इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्जेस, जिसके कारण ये करंट बनती है, ये वाली करंट। फिर से देखिए इलेक्ट्रॉन्स को यहां जाना है, इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे जाते हैं, राइट। ये चीज थोड़ा ध्यान से समझने की है, क्योंकि यही है ट्रांजिस्टर एक्शन। ये प्लस है, प्लस किसको खींचता है, इलेक्ट्रॉन से, ओके, इसका सर्किट यहां से आता है प्लस का, ये वाले यहां से जब सर्किट आएगा तो इलेक्ट्रॉन को यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है और यहां पर आना है, ये बात समझ में आई। यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर आए, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल बैरियर खत्म हो चुका है, किसके कारण, फॉरवर्ड बायसिंग के कारण। अगर ये पोटेंशियल बैरियर खत्म हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन को यहां जाने में कोई प्रॉब्लम है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से ये चले जाते हैं क्योंकि ये भी तो भेज रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन आराम से यहां तक जाते हैं, आगे जाकर ये इनको रिवर्स बायस मिलता है और यहां पर ये जो करंट बन रही है किसके कारण बन रही है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण बन रही है। यहां पर ये प्लस है, ये किसको खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं इधर, इसीलिए करंट की डायरेक्शन इधर है। इसको यहां से इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आने चाहिए, यहां से यहां आने चाहिए, ये वाले इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली यहां पहुंचने चाहिए। तो ये जो रिवर्स बायसिंग है, इस रिवर्स बायसिंग में यहां क्या बनता है, प्लस, और यहां क्या बनता है, माइनस। जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, ये पोटेंशियल बैरियर खत्म, वो यहां से यहां बड़े आराम से चला जाता है, यहां से यहां बड़े आराम से चला जाता है और ऐसे जाके ये इसकी करंट बनाता है। ये कौन सी है, आई सी। तो अब आप देख रहे हैं कि आई सी रिवर्स बायस में है पर हमको इसकी इलेक्ट्रॉन का प्रॉब्लम नहीं है, बड़े आराम से इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। अच्छा, यहां पर हमारे पास 100 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे और ये हमारी करंट आ गई, सैचुरेशन करंट। अब हमने क्या किया, इसकी वोल्टेज को बढ़ा दिया, ये इसकी वोल्टेज को अगर हमने बढ़ाया तो करंट बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दोनों में कैसे हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, यहां से और इलेक्ट्रॉन चले गए। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन ज्यादा चले गए ऐसे, तो ये जो पहले इसको 100 इलेक्ट्रॉन यहां अवेलेबल थे, अब कितने हो गए, 200 अवेलेबल हो गए। अगर इसको 200 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गए तो इसकी सैचुरेशन करंट अब कहां तक जा सकती है, 200 तक। इसके पास अपने कितने थे, 100, और इसमें फॉरवर्ड बायस में चेंज के कारण, और ये सर्किट कॉमन है, तो इसमें चेंज के कारण इसको 100 और मिल गए। अगर इसको 100 पी टाइप को और मिल गए तो इस जंक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इसलिए वो यहां से यहां चले जाते हैं। यही इसकी अनोखी चीज है। फिर से देखिए, ये पी टाइप है, इसमें मेजॉरिटी कौन है, होल, माइनॉरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन। इसकी करंट किसके कारण होती है, होल्स के कारण, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है। रिवर्स बायस की करंट किसके कारण होती है, माइनॉरिटी के कारण। यहां पर हमने कौन सा लगाया है, माइनॉरिटी, ये प्लस लगा है, प्लस यहां पर किसके कारण ये फ्लो होगा, तो इस एम में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, पी होल्स, और इस पी में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर करंट के लिए कौन हेल्प करता है, इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन को हम लोग इससे कंट्रोल कर सकते, इसकी करंट को हमने बढ़ाया तो यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाने शुरू हो गए, राइट, क्योंकि वो यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन। तो जब ऐसे इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन के नंबर्स भी क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, पर इसके नंबर अगर इलेक्ट्रॉन के इंक्रीज होंगे तो इसके लैंग्वेज में ये इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, जो कि इंक्रीज होते हैं। बात आ रही कुछ समझ में, इसके लिए, इस सर्किट के लिए यहां के इलेक्ट्रॉन्स क्या है, माइनॉरिटी, इसके लिए, इस सर्किट के लिए यहां के इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मेजॉरिटी। तो ये सर्किट किसके कारण चलता है, इलेक्ट्रॉन के कारण, और इट इज लाइक ए कंडक्टर, और यहां के इलेक्ट्रॉन और यहां के होल्स, ये कंबाइन करके यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते हैं, होल में मिलते हैं और ये करंट फ्लो होती है, ठीक है। इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है, किसके कारण ट्रैफिक होता है, फॉरवर्ड बायस के कारण। लेकिन इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में क्या काम करते हैं, माइनॉरिटी का, और माइनॉरिटी करंट या रिवर्स करंट इसके इलेक्ट्रॉन के कारण बनती है, इसके होल के कारण। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा अवेलेबल हो गए, 100 की बजाय 200 हो गए, तो अब इसकी सैचुरेशन करंट कहां तक जा सकती है, 200 तक जा सकती है, अगर हमने इसको बढ़ा दिया तो। इलेक्ट्रॉन जब जाते हैं तो क्या चीज बढ़ती है, करंट की वोल्टेज,
करेक्ट ओके। तो यहां से जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, हमने यहां से दिया, पहले इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे थे 1000, तो यहां अवेलेबिलिटी थी 100, अब हमने इसको बढ़ा के कर दिया 2000, तो यहां अवेलेबिलिटी कितनी हो गई 200, या और बहुत ज्यादा हो गई, उस पर भी अभी हम लोग आएंगे कि कितनी हो जाती है ये। तो यहां पर अगर ये बढ़ गए तो ये करंट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उस करंट को किसने बढ़ाया, आईबी ने बढ़ाया कि इसकी वोल्टेज ने बढ़ाया, आईबी ने बढ़ाया। एक ही वोल्टेज पर अगर हम आईबी को बढ़ा दें तो ये करंट कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, आईबी को मत बढ़ाइए, इस वोल्टेज को बढ़ाइए। इस वोल्टेज को बढ़ाने से क्या होता है, करंट बढ़ेगी पर कहां तक जाएगी, सैचुरेशन। तो हमने करंट बढ़ाई, ये सैचुरेशन करंट आ गई, ये 100 के प्रोपोर्शनल है। उसके बाद हमने इसका वोल्टेज चेंज किया, वोल्टेज चेंज करने से आईबी चेंज हुआ, आईबी चेंज होने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा अवेलेबल हो गए, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होने से इस सर्किट में सैचुरेशन करंट बढ़ गई। तो जब हमने फिर से उसका ग्राफ बनाया तो वो ग्राफ में जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो यहां पहुंच के सैचुरेशन नहीं आता है, ये तो 100 का सैचुरेशन था, ये और ऐसे बढ़ता है और ये 200 वाला सैचुरेशन आ गया। यहां पर हमने जो दिया था इसको आईपी कितना रखा था 100, यहां पर हमने आईपी कितना रखा हुआ है 200, ठीक है। और ये सैचुरेशन करंट आ गई, किस सर्किट की सैचुरेशन करंट, इनपुट की आउटपुट, आउटपुट कलेक्टर सर्किट की, कलेक्टर सर्किट ये आउटपुट की सैचुरेशन करंट आ गई। और इस सैचुरेशन करंट की वैल्यू जो होती है दैट इज इन मिली एम्पियर्स, मान लीजिए इसकी वैल्यू है 2 मिली एम्पियर, इसकी वैल्यू है 4 मिली एम्पियर, ये वैल्यू इस पर डिपेंड करती है कि उस सर्किट का रेसिस्टेंस कितना है और यहां हम वोल्टेज कैसी लगाते हैं। और ये वाली वोल्टेज जो कलेक्टर में हम लगाते हैं ये कैसी होती है, दिस इज कंपैरेटिवली हाई वोल्टेज, इस तरह से इसको बना दिया, दिस इंडिकेट्स हायर वोल्टेज ओके। तो ये हमको आउटपुट करंट, सैचुरेशन करंट कितनी मिलती है, सैचुरेशन कितनी मिलती है। इधर से फीड करने वाली आईबी, फीड करने वाली आईबी, फीड करने वाली आईबी ये इसको इफेक्ट करती है, और वो जो इफेक्ट है हमको यहां दिखता है, ये हमारा दूसरा ग्राफ बन गया। उसके बाद हमने तीसरी रीडिंग अपनी चालू की, तीसरी रीडिंग में फिर से हम इसकी वोल्टेज स्टार्ट करते हैं और बढ़ाते, लेकिन उसके पहले हमने इसको थोड़ा सा घुमाया और ये जो आईबी हमारा जा रही थी 200 माइक्रो एम्पियर, इसको हमने बढ़ा के कर दिया 300 माइक्रो एम्पियर ओके, या 100 मत लीजिए और छोटा ले लीजिए, जो एक्चुअल रीडिंग होती है 10 माइक्रो एम्पियर एंड 20 माइक्रो एम्पियर। अब हमने इसको बढ़ा के कितना कर दिया 30 माइक्रो एम्पियर करने से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन सर्किट में अवेलेबल हो गए, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गए, फिर हमने इसका एक्सपेरिमेंट चालू किया, वोल्टेज के साथ साथ करंट को बढ़ाते चले गए। अब हम क्या देखते हैं, वोल्टेज बढ़ती है, करंट बढ़ती है, वोल्टेज बढ़ती है, करंट बढ़ती है, और यहां जाकर अभी भी इसके पास इलेक्ट्रॉन और है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन उसके 300 हो चुके हैं। अब वो कब सैचुरेट होगी, 300 पे पहुंच के फिर ये सैचुरेट होगी। इस तरह से हमको ये यहां पर मिला 6 मिली एम्पियर, और इसके बाद ये फिर हमने ऐसा बढ़ाया और आईबी को फिर से सेट कर दिया, ये आईबी है 30 माइक्रो एम्पियर, फिर आईबी हमने 40 कर दिया, 40 करके हम देखते हैं कि सैचुरेशन करंट हमको यहां मिलती है एंड दिस इज 2468 मिली एम्पियर। इस तरह से उसकी सैचुरेशन करंट किस पर डिपेंड करती है, आईबी। तो हम अपना एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके लिए आईबी की एक वैल्यू कांस्टेंट कर देते हैं, यहां की वैल्यू, यहां पर हमने एक मीटर लगाया और इसको फिक्स कर दिया 20, तो हम ये वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं।
20 पे अब हम इसको चेंज करते हैं और इसको चेंज करके इसकी वोल्टेज पढ़ते जाते हैं और इसकी करंट पढ़ते जाते हैं, बनाते 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 एक रीडिंग, दो रीडिंग, तीन रीडिंग, चार, पांच, छह, सात, आठ, ये पूरा ऐसा ग्राफ बन गया। इस तरह से ये सेट खत्म हो गया। फिर आईपी को चेंज करते, आईबी को चेंज करके 30, फिर आईबी को चेंज करके 40, ऐसा हर आईबी के लिए बहुत सारी रीडिंग किस किस की लेते हैं, कलेक्टर की वोल्टेज और कलेक्टर की करंट। ये तो ये जो हमको मिलता है, दिस इज व्हाट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, और ये वाला इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो ये हम लोग पिछली क्लास में भी कर चुके हैं थोड़ा, ये अभी डिटेल में हुआ, समझ में आ गया। अब इसके बाद हमारे पास कुछ और चीजें कैलकुलेट करने की होती है, वो पैरामीटर है। पहला पैरामीटर लेते हैं हम इनपुट रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला होता है V अपॉन I इज द रेसिस्टेंस। और अगर हमने इनपुट रेसिस्टेंस लेना है, इनपुट रेसिस्टेंस, तो इनपुट रेसिस्टेंस लेने के लिए हम लेंगे V इनपुट डिवाइडेड बाय I इनपुट। ये हमको देगा रेसिस्टेंस इनपुट। ये जो रेसिस्टेंस इनपुट है, इसके लिए V और I कौन सा लेंगे? तो देखिए, इसके लिए हमने VI ग्राफ में देखा है, स्लोप ऑफ द VI ग्राफ गिव्स रेसिस्टेंस। तो यहां पर भी हम स्लोप लेंगे। कौन से ग्राफ का स्लोप लेंगे? तो इनपुट है तो इनपुट ग्राफ का स्लोप लेंगे। इनपुट ग्राफ के स्लोप में हमने VBE को चेंज किया इस वैल्यू से इस वैल्यू तक। मान लो हमको रेसिस्टेंस चाहिए इतनी वोल्टेज का, ये वोल्टेज पर कितना रेसिस्टेंस है। एक चीज याद रखिए, यहां स्लोप अलग है, यहां स्लोप अलग है, यहां स्लोप अलग है और यहां पर अलग है। स्लोप क्या दिखाता है? रेसिस्टेंस। तो पीएन जंक्शन का रेसिस्टेंस, जो ये वाला पीएन जंक्शन है यहां पर इस पीएन जंक्शन का रेसिस्टेंस बदलता रहता है, अलग अलग वोल्टेज पर अलग अलग रेसिस्टेंस रहता है। ऐसे रेसिस्टेंस के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? डायनेमिक रेसिस्टेंस। डायनेमिक मींस चलने वाला। तो इसका रेसिस्टेंस अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग रेसिस्टेंस दिखाता है, इसलिए ये स्टैटिक रेसिस्टेंस नहीं होता जैसे हमारे कार्बन रेसिस्टर में होता है कि अगर 5 ओम है तो वो 5 ओम ही रहेगा। 2 वोल्ट पे लगाओगे तो भी 5 ओम है, 10 वोल्ट पे लगाओगे तो भी 5 ओम है। डायोड में ऐसा नहीं होता। डायोड में क्या होता है, अगर आप 0.1, 0.2, 0.3 वोल्ट लगाइए तो उसका रेसिस्टेंस इंफिनिटी। क्यों? बिल्कुल करंट अलाउ नहीं करता, तो वोल्टेज अपॉन करंट जीरो कर दो, क्या आएगा? इंफिनिटी। लेकिन जैसे ही ये वाला सेक्शन आता है, हम क्या देखते हैं? वोल्टेज के साथ करंट आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में जो हम इसका रेसिस्टेंस निकालेंगे, रेसिस्टेंस इनपुट, वो अलग अलग वोल्टेज के लिए अलग अलग होगा। ओके, तो हमने इस पर्टिकुलर वोल्टेज को निकालने के लिए इसके आसपास ऐसी दो लाइनें खींची, ये और ये ट्रायंगल बना है। इस ट्रायंगल में ये वाला पॉइंट, ये वाला और ये वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच ये जो डिस्टेंस है, ये हमको क्या दिखाता है? आई, चेंज इन आई। और ये वाला हमको क्या दिखाता है? चेंज इन वोल्टेज बी। ओके, अगर हम इन दोनों का रेशियो ले लें, ये क्या चीज है? चेंज इन द करंट। चेंज के लिए डेल्टा लगाइए, डेल्टा आई पी। ये क्या है? चेंज इन वोल्टेज। तो इस जगह पर ये हमने क्या मान लिया? इन दोनों के बीच ये। तो चूंकि हमको डिवीजन के लिए कुछ क्वांटिटी चाहिए, इसलिए हम इसको थोड़ा सा फैला देते कि यहां से लेके यहां, ये हमने ऐसे निकाला, ये क्या निकला? डेल्टा वी। और ये क्या निकला? डेल्टा आई। अब दोनों को डिवाइड कर, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई जब हम करेंगे, ये डेल्टा वी, दिस इज बीई, बीई एंड डेल्टा आई।
ये कौन सा आई है? बेस। ये हमको मिलता है रेसिस्टेंस इनपुट। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, रेसिस्टेंस इनपुट एट एनी वोल्टेज। और ये जब हम ग्राफ बनाते हैं इसको कांस्टेंट रखते हैं VCE को, तो ये जो हमारा रेसिस्टेंस है ये किससे अफेक्टेड होता है? VCE इज इक्वल उसकी वैल्यू हम यहां लिखेंगे तो ये रेसिस्टेंस की वैल्यू हमारी करेक्ट मानी जाएगी। अगर हमने VCE चेंज कर दिया तो I चेंज हो जाएगा, करंट चेंज हो जाएगी, और अगर इसकी करंट चेंज हो गई तो रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा। इसका मतलब रेसिस्टेंस किस पर करता है? VCE पर भी डिपेंड करता है, इसलिए ये इसका तरीका है। तो रेसिस्टेंस इनपुट ट्रांजिस्टर में कैसे निकाला जाएगा? एट एनी गिवन वोल्टेज दिस इज द रेसिस्टेंस इनपुट। ठीक है, ओके, ये हो गया रेसिस्टेंस इनपुट। और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? नॉर्मली जो हमारे ट्रांजिस्टर आते हैं इनकी वैल्यू हंड्रेड से शुरू होती है और थाउजेंड तक जाती है। मतलब ये 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 6 नहीं मिलेंगे, क्या मिलेंगे? 10 टू द पावर 2 या 10 टू द पावर 3, राइट? तो RI की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 2 टू 10 टू द पावर 3 इसके लगभग होती है इनपुट। यानी यहां पर जो जंक्शन बनता है, यहां ये जो जंक्शन ओमिट हुआ उसके बाद जो इस पे रेसिस्टेंस बचेगा वो रेसिस्टेंस इतना करीब करीब होता है। उसके बाद दूसरी चीज हम ऐसे ही लेते हैं, आउटपुट रेसिस्टेंस, आउटपुट रेसिस्टेंस। आउटपुट रेसिस्टेंस के लिए फिर से हमको करना है V अपॉन I। कौन सा V लेंगे? C और E के बीच का चेंज इन वोल्टेज CE अपॉन चेंज इन करंट C, दिस इज आउटपुट रेसिस्टेंस, दिस इज आउटपुट रेसिस्टेंस। और इसमें हमने किस चीज को कांस्टेंट रखा? एक रीडिंग लेने में IB को कांस्टेंट रखा है, इसलिए ये किसके लिए है? IB की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये वैल्यू है। अगर वो IB बदलेगा तो ये वैल्यू भी बदलेगी। इस IB का इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं होना है, इट इज ओनली एन इंफॉर्मेशन कि अगर IB इतना रखोगे तो रेसिस्टेंस इतना आएगा। IB 1 माइक्रो एम्पियर है, 2 माइक्रो एम्पियर है, 100 माइक्रो एम्पियर है, वो हमको वहां पर लिखना है। तो ये है रेसिस्टेंस आउटपुट का फॉर्मूला। ओके, अब उसके बाद हम आते हैं आउटपुट रेसिस्टेंस कितना होता है नॉर्मली। तो नॉर्मली रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर चौड़ी हो जाती है, तो ये वाला रेसिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली टू द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 5 ऐसा। ये आर आउटपुट और ये आर इनपुट एक ट्रांजिस्टर में इस तरह से होते हैं। अब अगली चीज हम पढ़ते हैं, दैट इज करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। हाँ, एक चीज कभी कभी हम भाषा बीच में यूज करेंगे, द ट्रांजिस्टर इज इन सैचुरेशन स्टेट। एनीवे अभी उस पर बात में आते हैं, सैचुरेशन स्टेट क्या होती है? है ओम होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल ओम, आई एम सॉरी ओम। उसके बाद हम लेते हैं करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या होता है। करंट एम्प्लीफिकेशन, हमने यहां पर इनपुट पे कौन सी करंट दी है? बेस। आउटपुट में कौन सी करंट मिलती है? कलेक्टर। इन दोनों का जो रेशियो होगा दैट विल बी करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। ओके, ये जो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है ये दो तरह के होते हैं, एक डीसी करंट और एक डीसी और एसी। डीसी और एसी रेशियो, करंट से मतलब नहीं है, रेशियो से मतलब है।
इस रेशियो का क्या मतलब है? एक एम्पलीफिकेशन के लिए हम अक्षर यूज करेंगे बीटा, तो इसको लिख लेते हैं करंट एम्पलीफिकेशन, ये तीसरी चीज करंट एम्पलीफिकेशन। करंट एम्पलीफिकेशन में बीटा। अच्छा अब देखिए, मैं आपको बीटा किस तरह से दो हो सकते हैं वो बताता हूं। यहां पर करंट हम दे रहे हैं 2 एम्पीयर, यहां पर हमको करंट मिल रही है सपोज 1.8 एम्पीयर। तो आईसी अपॉन आईबी कितना हुआ? 1.8 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 0.9। ठीक है, ये क्या चीज है? आईसी अपॉन आईबी। अच्छा अब हमने क्या किया, सॉरी 2 एम्पियर और 1.8 एम्पियर, ठीक है, ये हमको कितना मिला? 0.9। ये समझ आ गया। अब दूसरी चीज देखिए, इस ट्यूब को हमने थोड़ा सा यहां से चेंज किया, थोड़ा सा चेंज करके इसको बना दिया 2.2, इंक्रीज कर दिया। अब हम इसको देखते हैं कि ये इंक्रीज होके हो गया 2.6 एम्पियर। एक्स्ट्रा करंट की चिंता मत करिए, बहुत बड़ी बैटरी है ले लेकर। तो इसमें करंट कितनी आ गई? 2.6 एम्पियर। अच्छा अब हम क्या देखते हैं कि इसमें हमने इंक्रीज कितना किया? 0.2। इसमें कितना इंक्रीज हुआ? 0.8। एक्चुअली थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है, जो एक्चुअल होता है जब हमने इसमें 0.2 ऐसा बढ़ाया तो ये करंट को हम देखते हैं ये हो गई 1.2, कम हो जाती। इसको क्या किया? बढ़ाया। ये क्या हो गई? कम हो गई। इसको हमने कितना बढ़ाया? 0.2। ये कितनी कम हुई? कम ज्यादा को छोड़िए, चेंज की बात करिए। इसमें कितना चेंज है? 0.2। उसका चेंज 0.6। तो रेशियो कितना हुआ? 0.6 डिवाइडेड बाय 0.2 इज इक्वल टू 3। पहले हमने क्या किया था? 1.8 डिवाइडेड बाय 2, 1.8 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आया था? 0.9। ये कौन सी करंट है? आईसी। ये कौन सी करंट है? आईबी। ये कौन सी करंट है? चेंज इन आईसी, और ये चेंज इन आईबी। अब आप देखिए, चेंज टू चेंज का रेशियो अलग होता है, करंट टू करंट का रेशियो अलग होता है। कभी भी करके देखिए, करंट टू करंट का रेशियो अलग और चेंज टू चेंज का अलग, राइट? ये मैंने थोड़ा सा एग्जैगरेट किया है इसको ताकि समझ में आ जाए। नॉर्मली कैसा रहता है? सपोज दिस इज 200 मिली एम्पियर, तो ये है 180 मिली एम्पियर। ये रेशियो आया 0.9। अब हमने इसमें चेंज किया तो हमने इसको 200 को कर दिया 202, और इसको हमने क्या देखा कि ये 180 से कम होके हो गए 170 से 200 में कितना इंक्रीज हुआ? 2। इसमें डिक्रीज कितना हुआ? 8। तो जब हम चेंज करते हैं तो चेंज टू चेंज का रेशियो अलग चीज होती है, करंट टू करंट का रेशियो अलग चीज होती है, ठीक है? तो जब हम करंट टू करंट का रेशियो लेते हैं, दैट इज आईसी अपॉन आईबी, इसमें ज्यादा चेंज नहीं आता है। ये यहां पर आप करके देखिए, दिस अपॉन दिस इज 0.9, दिस अपॉन दिस आप करेंगे तो 0.87 आ जाएगा, 0.85 आ जाएगा, बस उतना ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन अगर आप उसके चेंजेस का रेशियो लीजिए, ये वाला रेशियो दिस, इसमें तो बहुत चेंज आ गया, ये 8 हो गया और ये 2 हो गया,
सो दिस इज 8 एंड दिस इज 2, ये कितना आ गया 4। तो फिर से समझिए दोनों की करंट का रेशियो कैसा रहता है, ऑलमोस्ट 0.9 मेन करंट, लेकिन इस करंट को हमने थोड़ा सा बढ़ाया 0.1, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये 0.1 कम होगी, लेकिन ये 0.1 कम नहीं होती, 0.3 कम हो जाती है। फिर से हमने इसको वापस किया, ये फिर वापस आ गया। इसका जो जंप होता है वो 0.1 है, किसका, इनपुट का, और आउटपुट का जंप कितना होता है 0.3, 0.4, 0.5, जो जंप होता है। मेन लेवल दोनों का कैसा है, ऑलमोस्ट सेम, लेकिन इनपुट जंप करती है 0.1, तो ये डाउन जाती है 0.3, 0.2, 0.4, ये जब नीचे जाएगी 0.1 तो ये ऊपर जाएगी कितनी, 0.2, 0.3, 0.4। ये वाला जो रेशियो है चेंज वाला, इस रेशियो को हम बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन, और उस रेशियो को भी एम्प्लीफिकेशन। इन ये जो ऐसा सीधा जा रही है, इसका जो हम रेशियो देते हैं वो एम्प्लीफिकेशन है, डीसी एम्प्लीफिकेशन, करंट टू करंट डीसी, ये वाला एम्प्लीफिकेशन, ये एम्प्लीफिकेशन है बीटा डीसी, और ये वाला जो है दिस इज बीटा एसी। ठीक है, जैसे हमने एक माइक्रोफोन चालू किया, उस माइक्रोफोन से स्पीकर में एक करंट जा रही है लगातार, और वो करंट है 200 mA। ठीक है, हमने कोई आवाज नहीं की उस समय, ये उसका इधर से 200 mA जाती है, इधर 200 mA पहुंचती है। जैसे हम माइक्रोफोन में बोलते हैं, वो 200 में 2 का चेंज आ जाता है। अगर इसमें 2 का चेंज आता है तो इधर हम देखते हैं 6 का चेंज आ गया, रेशियो कितना आ गया, चेंज टू चेंज 3 आया, तो हम बोलते हैं 3 एम्प्लीफिकेशन हुआ। एम्प्लीफिकेशन कितना हुआ करंट का, 3, पर ये कौन सा एम्प्लीफिकेशन है, एसी की डीसी, एसी। शुरू में इधर 200 करंट थी, इधर भी 200 करंट थी, तो ये रेशियो कितना था, 1:1। ये 1 एम्प्लीफिकेशन किसका है, डीसी, राइट। तो ये डीसी का एम्प्लीफिकेशन था, और जो चेंज वाला एम्प्लीफिकेशन होता है वो किसका होता है, एसी का एम्प्लीफिकेशन। इस तरह से दो तरह के एम्प्लीफिकेशन होते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला, अब हम यहां लिख लेते हैं बीटा डीसी इज इक्वल टू आईसी अपॉन आई, और बीटा एसी दिस इज इक्वल टू डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आई। ओके, तो ये दोनों करंट एम्प्लीफिकेशन की वैल्यूज लिखिए, और इसमें हम लोग बीसीई को कांस्टेंट रखते हैं, बीसीई इज कैप्ट एज कांस्टेंट। ओके, अच्छा ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई नेसेसरी नहीं है कि बीटा डीसी और बीटा एसी अलग अलग हो, दोनों एक समान भी हो सकते हैं, किसी सर्किट में एक समान भी हो सकते हैं, किसी सर्किट में अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी सर्किट में पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, और किसी सर्किट में दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ये इस पर डिपेंड करता है कि ट्रांजिस्टर का हमने कौन सा कॉन्फिगरेशन लगाया है। आगे जाके हम स्टडी करेंगे कि जब हम कॉमन बेस बनाते हैं तो दोनों पॉजिटिव होते हैं, जब हम कॉमन एमिटर बनाते हैं तो एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, और उसका रेशियो ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरह से, लेकिन बीटा डीसी और बीटा एसी दे मे बी इक्वल, ऐसा भी हो सकता है कि इक्वल रहे और थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, इट इज क्वाइट पॉसिबल। ओके, तो ये हमने ट्रांजिस्टर की ये वाली कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी। बीटा एसी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, अगर आप इसको कांस्टेंट रखोगे ना,
VCE. अगर VCE को हम कांस्टेंट रखेंगे तो ये वाला बीटा कांस्टेंट रहेगा फॉर ए पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर. ट्रांजिस्टर बदलेगा ये बदल जाएगा. ठीक है ट्रांजिस्टर एज ए डिवाइस. हम लोग ट्रांजिस्टर का क्या क्या यूज करते हैं, तीन यूज हमने पढ़ने हैं. वन इज ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर एंड ट्रांजिस्टर एज ऑसिलेटर. तो ट्रांजिस्टर एज ए स्विच ये बड़ा छोटा सा है, इसको हम लोग अभी 5 मिनट में स्टडी कर सकते हैं, इट इज नॉट मच. उससे ट्रांजिस्टर का कैरेक्टराइजेशन भी हमको पता चलता है. तो ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, इसके लिए देखिए सर्किट ट्रांजिस्टर का यही रहेगा, ट्रांजिस्टर का सर्किट नहीं बदलेगा. जब हम इसमें करंट देते हैं, वोल्टेज लगाते हैं, तो उस वोल्टेज का हम ग्राफ बनाते हैं और वो जो वोल्टेज का ग्राफ है वो हम बनाएंगे वोल्टेज इनपुट और आउटपुट के बीच. वोल्टेज इनपुट और वोल्टेज आउटपुट के बीच में हमने ग्राफ बनाया. तो हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं ट्रांजिस्टर एज स्विच. देखिए एक ग्राफ हम बनाएंगे वोल्टेज इनपुट और वोल्टेज आउटपुट इन दोनों के बीच में. वोल्टेज इनपुट को हमने बढ़ाना शुरू किया 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे बढ़ाते चले गए. आउटपुट में हम क्या देखते हैं, शुरू में देखिए जब हम इसको बी इनपुट देते हैं, बी इनपुट 0 देते हैं. अगर इसको 0 देंगे तो इसकी करंट कितनी होगी, वोल्टेज इनपुट 0 है करंट 0, वोल्टेज इनपुट 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 है तो करंट कितनी है 0. यहां पर अगर हम कोई करंट नहीं देते हैं तो क्या आईबी इसको अफेक्ट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी. तो इसकी वोल्टेज हमको कितनी मिलती है, यहां पर आंसर है ये और ये दोनों इससे जुड़ा है, जो इस बैटरी की वोल्टेज है पूरी की पूरी हमको एस वीसीई मिलती है. तो वो वोल्टेज मैक्सिमम रहती है, उससे ज्यादा वोल्टेज नहीं हो सकती. ये कब होगा, जब इधर से कोई करंट नहीं आ रहा, राइट. जब ये कोई करंट नहीं आती तो ये वोल्टेज हमको हाईएस्ट मिलती है. तो ये यहां पर हमको मिलती कौन सी वी, ये मैक्सिमम 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 ये मैक्सिमम. ये चलते 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 ये जब ये नी वोल्टेज इसकी आ जाएगी, नी वोल्टेज आ जाएगी तो आईबी बननी शुरू हो जाएगी. जब आईबी बननी शुरू हो जाएगी तो उस आईबी के कारण ये वोल्टेज में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आंसर है कि उस आईबी के कारण ये वोल्टेज में ये वोल्टेज थोड़ी सी कम हो जाएगी. क्यों कम हो जाएगी ये वोल्टेज, क्योंकि यहां पर हमने वोल्टेज आउटपुट कहां से लेते हैं, यहां से लेते हैं. ये वोल्टेज आउटपुट है, ये यहां से हमने लेना है. अगर इसमें करंट बढ़ गई, थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करिए, वीसीसी 10 वोल्ट है, इसमें से करंट इसकी ये वैल्यू है 1 ओम और इसमें से करंट जा रही है 1 एम्पियर, तो ये कितना ड्रॉप होगा पोटेंशियल आई इंटू आर, 1 वोल्ट ड्रॉप हुआ. तो यहां से लेके यहां तक की हमको वोल्टेज कितनी मिलेगी, 10 मिलेगी या 9 मिलेगी, 9 मिलेगी. ठीक है ये समझ में आ गया. तो इसमें करंट अगर आ गई कितनी, ये 1 ओम है और 1 एम्पियर करंट आ गई, तो ये वोल्टेज कैसी हो जाएगी, डाउन. कितनी डाउन हो जाएगी, 1 वोल्ट कम हो गई और ये कितनी हो गई, अब 9 हो गई. क्यों, क्योंकि इधर से आईबी आ गई थी. आईबी इधर से क्यों आ गई, क्योंकि हमने अब वोल्टेज इसको क्रॉस कर दिया. तो इससे ध्यान दीजिए, इनपुट की वोल्टेज हम बढ़ाते जा रहे हैं, एक नी वोल्टेज आने के बाद में नी वोल्टेज तक इस पे कोई असर नहीं आया, जैसे ही नी वोल्टेज बढ़ी इसमें आईबी आना शुरू हो गया.
अगर इसमें आई बी आना शुरू हो गया तो उस आई बी के कारण इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इस पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से कि जो वी बी बी है, वी बी बी दिस इज इक्वल टू आई बी इंटू आर बी, बेस के लिए आई आर प्लस वी, दिस इज बी, ये आई बी है और ये आर बी। वी बी बी क्या चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डिस्पैच। इस सर्किट में ही ऐसा फ्लो हुआ, किरचॉफ लॉ लगाओ, यहां जाके कितना ड्रॉप हुआ, आई बी इंटू आर बी, तो वी बी बी माइनस आई बी आर बी इज इक्वल टू VB माइनस वाले को उधर ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा, VBB इज इक्वल टू दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज। ये सर्किट कंप्लीट हो गया। तो ये वोल्टेज कितनी है IBRB, ये वोल्टेज कितनी है VBE। देखिए ये इक्वेशन बना, तो ये इक्वेशन कहां का इक्वेशन है, इनपुट का इक्वेशन। आउटपुट का इक्वेशन बताइए VCE कैसे बनेगा, VCE is equal to VCC or ICRC। पर ये जो ICRC है ये इसके सामने माइनस का साइन, क्यों माइनस का साइन, क्योंकि यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप है। यस, या हम इसको ऐसा ले सकते हैं VCC is equal to VCC is equal to ICRC plus VCE। ये देखिए VCC इज इक्वल टू ये करंट कितनी है आई सी मल्टीप्लाइड बाय आर सी, आर सी ये इसकी वोल्टेज हुई और यहां से यहां की वोल्टेज कितनी है वी सी ई, तो आई सी आर सी प्लस वी सी ई इज इक्वल टू वी सी सी। ये अब इसमें से अगर हम वी सी ई निकालना चाहे तो VCE निकालने के लिए इसको इधर किया ये माइनस हो गया, तो इक्वेशन क्या बना VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC, ये इक्वेशन बना। और हमने यहां से दोनों टर्मिनल, अगर हमने यहां से दोनों लिए और इसको क्या बोला आउटपुट, आउटपुट यहां पर हमने टर्मिनल कहां से लिए, इनपुट, ओके। यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, जब आप इनपुट लेते हैं तो ये रेसिस्टेंस बाहर रखते हैं, ये इनपुट है, और जब आप आउटपुट रखते हैं तो ये रेसिस्टेंस अंदर लेते हैं, ये आउटपुट है। ये यहां पर एक खास चीज ध्यान रखनी है, इसलिए एक में प्लस आएगा और एक में माइनस आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया इनपुट और ये वी बी बी और वी सी ई, ये दोनों ओके। इसके बाद अगला एक क्वेश्चन है वी इनपुट, वी इनपुट ये हुआ और वी इनपुट कौन है वी बी बी, वी इनपुट किसे कहेंगे, वी बी बी को कहेंगे, और ये किसके बराबर होता है आई बी आर बी प्लस वी बी, ये इसके बराबर होता है वी इनपुट। अच्छा अब वी आउटपुट किसको कहेंगे, वी आउटपुट जो हमने यहां पर लिया है ये वी आउटपुट है, तो वी आउटपुट, वी आउटपुट इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर, ये वी आउटपुट हो गया और ये वी इनपुट हो गया, ओके। अब ये हाँ ये आउटपुट हो गया, अब हमने ये देखना है कि वी इनपुट और वी आउटपुट के चेंजेस कैसे होते हैं, और उन दोनों चेंजेस वी आउटपुट और वी आउटपुट इसका हमने ग्राफ बनाना है। तो शुरू में हमने क्या किया कि इनिशियली ये वी बी ई आई बी शुरू में जीरो रहता है, तो इनपुट किसके बराबर रहेगा वी बी ई के बराबर रहेगा,
और IB कैसा है? जीरो। अगर IB जीरो है तो IC कैसा होगा? तो आंसर है IC भी जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि IB जब उसको चार्ज पार्टिकल देता है तो IC बनता है। तो when IB is equal to zero, then IC is equal to zero. और इसको हम बोलेंगे ट्रांजिस्टर इन कट ऑफ स्टेट। इन कट ऑफ स्टेज, ये ट्रांजिस्टर की पहली स्टेज है, कट ऑफ स्टेज। तो कट ऑफ स्टेज कब होती है? जब इनपुट कितना हो? जीरो, इनपुट जीरो। ओके, तो आईसी भी कितना हो जाएगा? जीरो। अगर आईसी जीरो हो गया, आईसी जीरो, तो आउटपुट की वोल्टेज कैसी हो जाएगी? VO is equal to VCC. इसमें से कुछ माइनस हुआ क्या? नहीं। अगर कुछ भी माइनस नहीं होगा तो वो वैल्यू मैक्सिमम हो। तो ये VCC कैसी वैल्यू है? मैक्सिमम। फिर से देखिए, when IB is equal to zero, IB कब जीरो होती है? When VB is equal to zero, और जीरो से लेके कहां तक जाता है? ये नी वोल्टेज तक, जीरो से नी वोल्टेज तक ये गया, उस समय IB कितना रहा? जीरो। ट्रांजिस्टर एक्शन से अगर IB जीरो है तो उसको चार्ज पार्टिकल कितने मिलेंगे? जीरो। अगर जीरो चार्ज पार्टिकल मिलेंगे तो IC भी कितना होगा? जीरो। कोई करंट हमको आउटपुट में नहीं मिलती, इस स्टेज को क्या कहेंगे? कट ऑफ। ट्रांजिस्टर कौन सी स्टेज में है? कट ऑफ। तो इस क्वेश्चन को उल्टा करके भी याद रखिए, व्हेन इज द ट्रांजिस्टर इन कट ऑफ स्टेज? व्हेन वी इनपुट इज विद इन नी वोल्टेज। वी इनपुट इज विद इन नी वोल्टेज एंड द करेंट इन कलेक्टर सर्किट इज जीरो। उस समय इसको कौन सी स्टेज बोलते हैं? दैट इज वी आर गेटिंग मैक्सिमम, कट ऑफ स्टेज इसको बोलेंगे, ठीक। उसके बाद इसमें हम वोल्टेज को बढ़ाते चले गए और ये आई बी बढ़ते चली गई, सेकेंड स्टेज स्टार्ट हो गई। सेकेंड स्टेज में हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, ये सेकेंड स्टेज, वी इनपुट इंक्रीज। इसके कारण क्या होगा? आई बी इंक्रीज। इसके कारण क्या होगा? आईसी इंक्रीज। अगर आईसी इंक्रीज होगा तो आईसीआरसी इंक्रीज। और यहां पर देखिए, अगर आईसीआरसी इंक्रीज होगा तो वी आउटपुट क्या होगा? डिक्रीज। वी आउटपुट डिक्रीज। कहां से शुरू किया था? So whenever we are increasing VI, what is effect on VO? Decrease. This decreases. ये इसकी second stage है. This is. अब हम बोलेंगे the transistor is in dynamic stage और transistor is in active region. ये active. तो पहले transistor किस stage में था? Cut off. अब किस stage में आ गया? एक्टिव। एक्टिव मतलब हम वी आई में चेंज करते हैं, वीओ में चेंज होता है, दिस इज एक्टिव स्टेज। अच्छा, अब देखिए, अब हमने क्या किया कि वी आई को बढ़ाते गए, आई भी बढ़ते गई, उसके साथ आई सी भी बढ़ते चली गई। लेकिन आई सी की बढ़ने की एक लिमिट है, आई सी हमेशा बढ़ के क्या हो जाती है? यस, वो रिवर्स बायस वाली करंट है, तो वो हमेशा रिवर्स करंट का एक सैचुरेशन आ जाता है। तो एट सर्टेन स्टेज, एट सर्टेन स्टेज आई सी बिकम सैचुरेटेड। अगर आई सी सैचुरेट हो गई तो मतलब आई सी अपनी किस वैल्यू पे है? मैक्सिमम वैल्यू पे। आई सी इज मैक्सिमम। अगर IC मैक्सिमम है तो IC into RC भी कैसा होगा? मैक्सिमम। ये माइनस वाला पोर्शन मैक्सिमम।
अगर ये माइनस वाला पोर्शन मैक्सिमम है तो वी आउटपुट कैसा होगा? मिनिमम, क्योंकि बीसीसी क्या है, बैटरी की वोल्टेज ये तो कांस्टेंट है। अगर ये वाला पोर्शन मैक्सिमम हो गया तो वी आउटपुट कैसा हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। सो वी आउटपुट इज मिनिमम, और ये मिनिमम जीरो के काफी नजदीक होता है, एग्जैक्ट जीरो नहीं हो पाता, थोड़ी सी करंट तो रहती ही है। तो ये भी आउटपुट कैसा हो जाएगा? मिनिमम जीरो। ये वाली जो स्टेज है दिस इज नोन एज सैचुरेटेड, सैचुरेटेड स्टेज। तो ये ट्रांजिस्टर की तीन स्टेजेस होती है। पहली स्टेज कट ऑफ, उस समय वी इनपुट कैसा है? इनपुट इज विद इन नी वोल्टेज, ठीक है। उस समय आउटपुट में हमको करंट कितनी मिलेगी? जीरो। हम ये बोलेंगे कि ये ट्रांजिस्टर हमारा एक स्विच की तरह काम करता है, उस समय इसकी आउटपुट करंट कैसी है? जीरो। सो अवर स्विच इज ऑफ, स्विच ये स्विच कैसा होता है हमारा? ऑफ। ये जो हम रिमोट से ऑन ऑफ करते हैं ये स्विचिंग उसमें होती है। अच्छा, उसके बाद जब हम इनपुट बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं, इसकी करंट मैक्सिमम हो जाती है, उस समय वी आउटपुट कैसा हो गया? मिनिमम। और करंट कैसी है? मैक्सिमम। व्हेन द करंट इज मैक्सिमम वी विल से द स्विच इज ऑन, ठीक। ये दोनों चीजें नोट कर लीजिए, स्विच इज ऑन एंड स्विच इज ऑफ। बीच वाला पोर्शन हमको जरूरत नहीं, इसलिए अब जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो देखिए इसका ग्राफ, इसको थोड़ा सा समझना ये जरूरी है। छोटा सा ग्राफ है, दैट इज दिस वी आउटपुट एंड वी इनपुट। व्हेन वी इनपुट, ओके सॉरी, हाँ वी आउटपुट, शुरू में जब V इनपुट कम होता है, V इनपुट कम होता है तो V आउटपुट बहुत ज्यादा होता है। ये मैंने उल्टा बना दिया, लेट्स पुट इट राइट, V इनपुट आउटपुट, तब हाइट आएगी। V इनपुट एंड दिस इज V आउटपुट। V इनपुट को जीरो रखिए, आउटपुट हमको मैक्सिमम मिलेगा। अब ये इनपुट यहां पर आ गया 0.6 0.7, तब तक इधर ध्यान दो, वी इनपुट 0.6 तक रहेगा तब तक आउटपुट कैसा मिलेगा? मैक्सिमम। उसके बाद जब हम इसको बढ़ाते हैं तो करंट के कारण वी आउटपुट कम होते जाता है, और ये यहां से ऐसा कम होते जाता है, होते होते जब सैचुरेशन करंट आती है तो ये वी आउटपुट कैसा हो जाता है? ऑलमोस्ट जीरो। ये वी आउटपुट हाइट है, हाइट कितनी हो जाती है? ऑलमोस्ट जीरो। ये कौन सी स्टेज आ गई? सैचुरेशन। तो इस पर हमने ऐसे डिवीजन कर दिया, ये वाला जो रीजन है दिस रीजन इज एक्टिव, बीच वाला, हम आई और ओ दोनों में चेंज ला रहे हैं, और ये जो दोनों रीजन है ये वाले को क्या बोलेंगे? कट ऑफ। इसको क्या बोलेंगे? सैचुरेशन। स्विच के लिए इसका मतलब क्या है? ऑन। इसका मतलब क्या है? ऑफ, राइट। तो अगर हमको ट्रांजिस्टर एज ए स्विच यूज करना है तो एक बहुत ही क्वेश्चन सुनिए, फाइन क्वेश्चन। अगर हमको ट्रांजिस्टर एज ए स्विच यूज करना है तो एक्टिव रीजन बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, क्योंकि हमको उस पर काम नहीं करना चाहिए। इसी का उल्टा क्वेश्चन, जब हम एम्पलीफायर बनाते हैं और वी आई को बदलने से वीओ को बढ़ाना चाहते हैं तो हम कौन सा रीजन यूज करेंगे? एक्टिव रीजन। उस समय हमको एक्टिव रीजन ज्यादा चौड़ा चाहिए, ऐसा ट्रांजिस्टर देते हैं। और स्विचिंग के लिए कैसा ट्रांजिस्टर चुनते हैं? जिसका एक्टिव रीजन बहुत कम हो, या तो वो जीरो दिखाए या वो मैक्सिमम दिखाए। तो जब ये आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम होगी, करंट कैसी होगी? जीरो, आईसी। और यहां पे आईसी कैसी होगी? मैक्सिमम। इसलिए हमने इसका नाम क्या दिया? ऑन। इसका नाम ऑफ, राइट। सो दिस इज हाउ द ट्रांजिस्टर एक्ट एज
स्विच राइट। तो ये हो गया इसका तीन स्टेजेस एंड स्विचिंग।